अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल एसन ऑफिशियल। आज की इस नई वीडियो में बात करूंगा लाहौर वालों के लिए बेहतरीन जॉब्स। मैं लेके आज इस वीडियो में आया हूं, आपको आज ऐसी वेबसाइट बताऊंगा, ऐसा आज आपको मैं कंपनी दिखाऊंगा जहां पे बेशुमार वैकेंसीज अनाउंस की जाती हैं, हज़ारों तादाद में अनाउंस की जाती हैं, डेली बेस पर की जाती हैं। तो आज हम चलते हैं कौन सी ऐसी कंपनी है जो लाहौर वालों को इतनी ज़्यादा नौकरियाँ फराहम कर रही है। तो जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मज़ीद मालूमात इसमें से मिल सके। हम गूगल पर टाइप करेंगे माइंड ब्रिज। माइंड ब्रिज एक कॉल सेंटर की तरह एक वर्क करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है जो डिफरेंट कैरियर्स यानी कि डे बाई डे इनके अनाउंस आते रहते हैं। इनका जो हेड ऑफिस है लाहौर में ही इनका है, ठीक है। हम इनके करियर पोर्टल पर जाके क्लिक करते हैं, चेक करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है जो उन्होंने अनाउंस की गई हैं, ठीक है। हम जो ट्रैक करेंगे तो नीचे इनका इनका जो करियर के लिए जो इनका मोटिव होता है, एक मिशन होता है ना, वो चीज़ इन्होंने यहाँ मेंशन कर दी है, आप यहाँ रीड आउट कर सकते हैं। मज़ीद हम यहाँ पर जाके इनकी करंट ओपनिंग्स को चेकआउट करते हैं। हम यहाँ क्लिक किया तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे इनकी करंट ओपनिंग्स अवेलेबल है। लोकेशन मतलब कि लाहौर के लिए है, डिफरेंट की शिफ्ट्स होती हैं, मॉर्निंग इवनिंग नाइट की शिफ्ट्स होती हैं, ठीक है। गाइड करता हूँ आपको कौन कौन सी वैकेंसी अनाउंस हैं और क्या 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 इनका क्राइटेरिया होगा अप्लाई करने का। सबसे पहले है ईमेल चैट सपोर्ट स्पेशलिस्ट की जॉब है इंटरनेशनल, चेक कर लेते इसकी डिस्क्रिप्शन। इसकी इसमें जो रिक्वायर्ड किया गया है नंबर ऑफ वैकेंसीज 100 है, वर्किंग आवर्स 9 होंगे, जेंडर एनी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं, सैलरी 90,000 है। इसके अलावा मिनिमम एजुकेशन ए लेवल इंटरमीडिएट यानी कि एफएससी रिक्वायर्ड की गई है और ए लेवल्स। लोकेशन लाहौर की। मिनिमम जो एज रिक्वायर्ड की गई है वो 18 से अबव है, 3 शिफ्ट एज की हो गई, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपको गाइड कर देता हूँ इसके सपोर्ट कस्टमर सपोर्ट कोऑर्डिनेटर इंटरनेशनल की जॉब है, ठीक, लाहौर के लिए, 3 शिफ्ट हैं इसकी भी। जॉब डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो कैंडिडेट ओ लेवल ए लेवल्स के हैं इसके अलावा उनको मेजर प्रेफर किया जा रहा है। इसके अलावा जो आपके स्पोकन इंग्लिश वगैरह उसको स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी रिक्वायर्ड की गई हैं। इसके अलावा इसमें जो 75 इसमें होंगी वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 9 इसमें, 9 इसके वर्किंग आवर्स होंगे, जेंडर इसमें कोई भी है, 80,000 सैलरीज की होगी, ठीक है। अप्लाई नाउ करने का तरीका आपको मैं एंड पे गाइड कर दूंगा, ठीक है। चेक नेक्स्ट और चेक करते हैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव डोमेस्टिक की जॉब है, 3 शिफ्ट इसकी भी, नंबर ऑफ पोस्ट 100 है, इसका वर्किंग आवर्स 8 होंगे, इसके बैचलर डिग्री प्रेफर्ड की जा रही है, ठीक है। उसके अलावा जो स्किल्स वगैरह हैं लैंग्वेजेस का है, कंप्यूटर, उसके अलावा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स है। सैलरीज में आपको गाइड नहीं की गई लेकिन ग्रेजुएशन के सैलरीज के पैकेज इनके अच्छे होते हैं, इनके माइंड ब्रिज के सैलरी पैकेजेस इनके अच्छे होते हैं। ग्रेजुएशन मिनिमम इसकी जो है एजुकेशन रिक्वायर्ड की गई, इसके अलावा जो मिनिमम एज है वो 20 है, 20+ अबव की रिक्वायर्ड की गई। इसके अलावा कस्टमर्स सर्विस एग्जीक्यूटिव की सिंधी इनकी लैंग्वेज इनकी बेहतर है, इनको आती है, वो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इनबाउंड कस्टमर सपोर्ट इनका हेड होगा, जो मिनिमम एजुकेशन इसमें कोई प्रेफर्ड उन्होंने नहीं की लेकिन उन्होंने बैचलर डिग्री, यहाँ पे कोई मखसूस डिग्री उन्होंने आपको नहीं गाइड किया था लेकिन यहाँ पे उन्होंने फ्रेश को रिक्वायर्ड किया गया है, एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड लेकिन इसमें बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड की गई है। 100 इसमें होगी नंबर ऑफ वैकेंसीज, 8 के आवर्स होंगे, वर्किंग आवर्स होंगे, जेंडर्स के एनी है। इसके अलावा मॉर्निंग 3 शिफ्ट डेज की होंगी। नेक्स्ट है अरेबिक कस्टमर सपोर्ट, जिनको अरेबिक वगैरह आती है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वॉइस इन बाउंड इसका हेड होगा। इसके अलावा इसमें जो आपका एक्सेलेंस जो स्किल्स रिक्वायर्ड किया गया है वो आपका अरेबिक स्किल एक्सेलेंट होना चाहिए, एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जो एजुकेशन बैचलर रिक्वायर्ड की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 100 है इसमें, वर्किंग आवर्स 9 होंगे, जेंडर एनी। इसके अलावा लाहौर के लिए 22 की मिनिमम एज है। आगे है IVR डेवलपर की जॉब है, 2 शिफ्ट हैं इसकी, मॉर्निंग इवनिंग, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, वर्किंग आवर्स 9 होंगे। इसके अलावा बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड की गई है, एक्सपीरियंस जो होंगे इसमें होंगे वो IT से रिलेटेड होंगे।
नेक्स्ट है कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट की जॉब है, फ्रेंच जिनको आती है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके इसमें आपको जो स्किल्स होंगे फ्रेंच के होंगे, इसके अलावा जो ए लेवल इंटरमीडिएट्स में रिक्वायर्ड होगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 हैं और उसके अलावा वर्किंग आवर्स के 9 होंगे, 2-3 शिफ्टें इसकी लाहौर के लिए। अगर स्पेनिश की जॉब है, अगर इटालियन भी है, ठीक है, सेम क्राइटेरिया होगा, इनका जो हेड होगा वो सेम होगा। इसके अलावा पर्शियन की लिसनिंग ओनली होगी, ठीक है, स्किल्स को चेक कर लेते हैं। वॉइस इन बर्ड्स का क्राइटेरिया होगा 50 के नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जनरल एनी बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड की गई है, एक्सपीरियंस नो एक्सपीरियंस उसमें होगा, ठीक है। इसमें यानी कि रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी, और पर्शियन आपने बोलनी भी है लिखनी भी है, सिर्फ स्पीकिंग स्किल्स मेन रिक्वायर्ड इसमें किए गए हैं। 3 शिफ्टें हैं। लास्ट हमारे पास है क्लोज फीडबैक लूप की जॉब है, एजेंट CFL, इसकी एक ही शिफ्ट है मॉर्निंग लाहौर के लिए। इसमें बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड की गई है लाहौर के लिए, मॉर्निंग एक शिफ्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी 50 है, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स 9 है, जेंडर्स में एनी है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह कंप्यूटर रिलेटेड आपके जो स्किल्स वगैरह हैं वो रिक्वायर्ड किए गए हैं। अब हम चेक करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। आपने अप्लाई नाउ नीचे सबके नीचे यहाँ पे अवेलेबल होगा, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, आपको मैं इसका मजीद क्राइटेरिया गाइड कर देता हूँ। आपके सामने एक ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है, इसमें जो मेन चीज़ें होंगी वो आपने यहाँ पे चेक कर लेनी है। फॉर्मेट्स का आप सिंपल अपनी बेसिक चीज़ें गाइड करेंगे, अपनी लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे। अगर आप यहाँ पे मजीद इन्फॉर्मेशन वगैरह दे सकते हैं कि आपने ये कहाँ से चेक किया, ठीक है, सिलेक्टेड वो जो कैंडिडेट्स होंगे उनको वो कॉल कर लेंगे। तो बेसिकली गाइस ये थी माइंड ब्रेक की जानिब से अनाउंस की गई वैकेंसीज। आज हमने इनको चेक किया, उनके बारे में डिटेल चेक की कि वो कैसे वर्क करते हैं, मतलब बेसिकली कॉल सेंटर डिपार्टमेंट होता है जो इंटरनेशनली वर्क कर रहा है। लाहौर में इनका मेन इनका हेडक्वार्टर होगा, ठीक है, शिमला पहाड़ी के पास इनका इनका हेडक्वार्टर भी है इनका, वहाँ जाके आप विज़िट भी कर सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, लाहौर वालों के लिए खास ही वीडियो है, पाकिस्तान से पूरा अप्लाई कर सकते हैं, जो लाहौर आके काम करना चाहते हैं वो उसमें अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स, कमाल की अपडेट्स डेली बेस पे मिलती रहें। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।